Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss the very important topic that is relations and functions. अपने last lecture में हमने order pair के बारे में जो है ना वो पढ़ा था और उसमें हमने कहा था कि जो order pairs होते हैं ये associate करते हैं एक y value को किसी एक x value के साथ जो है तो और इसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसको डिटेल लास्ट लेक्चर के अंदर जो है ना वो डिस्कस किया जो कि कॉन्स्टिट्यूट करती है रिलेशनशिप को वाई और एक्स के दरमियान जो है अगर हमें कोई एक्स की वैल्यू दी गई हो तो वन और मोर वाई वैल्यूज विल बी स्पेसिफाइड बाय द रिलेशन यानी अगर कोई एक्स वैल्यू हमें गिवन है तो उसकी मदद से हम वाई की एक या एक से ज्यादा वैल्यूज जो है ना वो ईजिली फाइंड आउट जो है ना वो कर सकते हैं अब इसमें अगर आप दो एग्जांपल्स जो है ना वो कंसीडर करें इस रिलेशन और फंक्शन के टॉपिक को समझने के लिए लुक एट एग्जांपल नंबर 3 कि द सेट एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इंक्लूडिंग फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम देखें तो ये बेसिकली हमारे पास जो यहाँ पे सेट के अंदर मेन जो है ना वो रिलेशन बन रहा है वो हमारे पास ये है y is equal to 2x जो कि हमारे पास सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है अब जरा गौर से देखिएगा यहाँ पे मैं x लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ y is equal to 2x ओके जी अब अगर हम वैल्यू जो x को साइन करते हैं फॉर एग्जांपल अगर x को 1 वैल्यू असाइन करें तो y वुड बी इक्वल टू 2x की जगह पे 1 रखेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू अगर हम x को 0 वैल्यू असाइन करेंगे तो y जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 × 0 दैट इज इक्वल टू 0 ठीक है जी तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बने वो इस तरह से बने पहला जो ऑर्डर पेयर जो है वो हमारे पास बनेगा दैट वुड बी 1 व 2 और जो दूसरा पेयर हमारे पास बनेगा दैट वुड बी 0 व 0 तो इसमें हमने देखा साफ जाहिर है कि x की एक यूनिक वैल्यू के अगेंस्ट जो है वो हमारे पास y की जो है ना वो एक यूनिक वैल्यू जो है ना वो आ रही है अब जब इसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास फंक्शन है y is equal to 2x इसका जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो दिस वुड बी द ग्राफ ऑफ और दिस वुड बी द लाइन ऑफ दिस फंक्शन या दिस ऑर्डर्ड पेयर जो कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी विद पॉजिटिव स्लोप जो कि ओरिजिन में से जो है ना वो गुजर रही है अब ये हमारे पास वे एक सूरत हाल आई कि जिसमें एक्स की हर यूनिक वैल्यू के अगेंस्ट जो है वो हमारे पास वाई की एक यूनिक वैल्यू आ रही है मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताया था कि जो फर्स्ट हमारे पास ऑर्डर जब हम सेट लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एक्स वैल्यू और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारे पास y वैल्यू को जो है ना वो इंडिकेट कर रहा होता है तो यहाँ पे वही सूरत हाल जो है ना वो हमने देखी कि यहाँ पे फाद जो है वो x है और जो y है ये 2 वैल्यू है इसी तरह से x जो है उसकी 0 उसका 0 एलिमेंट है हमारे पास और दूसरी तरफ जो है y है उसका भी वो हमारे पास 0 एलिमेंट आ जाता है अब नेक्स्ट अगर हम देखें जो एग्जांपल नंबर 4 है एक और एग्जांपल है हमारे पास अगर हम इसको डिस्कस करें सो इसको अगर आप देखें तो सेट एक्स वाई सच दैट वाई इज लेस देन और इक्वल टू एक्स यानी आपकी एक्स की हर वैल्यू के अगेंस्ट जो वाई वैल्यू अडॉप्ट करेगा दैट मे बी इक्वल और मे बी लेस देन वैल्यू ऑफ एक्स अब देखिए इसके जब आप ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो अगर आप एक्स की वैल्यू आपकी 1 है तो y 0 हो सकता है अगर x 1 है तो y 1 हो सकता है अगर x 1 है तो y जो है ना वो -4 हो सकता है अगर आप इसको देखें तो हमें पता है कि हमने यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनाया है वो है y is less than or equal to x यानी y की वैल्यू या तो less than x की होगी या equal to x की होगी अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 1 है x का जो है तो y या तो x के इक्वल हो सकता है या कम हो सकता है अगर इक्वल होगा तो y की वैल्यू 1 होगी अगर लेस देन होगी तो 0 भी हो सकता है माइनस का कोई भी डिजिट हो सकता है तो ये हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट वैल्यूज जो है ना वो आ रही है अब अगर आप एग्जांपल नंबर 4 और 3 को आपस में कंपेयर करें एग्जांपल नंबर 3 में क्या था कि हर एक्स की वैल्यू के अगेंस्ट हमारे पास वाई की एक यूनिक वैल्यू आ रही थी एक ही वैल्यू आ रही थी लेकिन जब एग्जाम्पल नंबर 4 हम देखते हैं तो उसमें एक्स की एक वैल्यू के अगेंस्ट
हमारे पास y के जो है ना वो तीन वैल्यूज जो है ना वो आ रही है, मोर देन टू वैल्यूज आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर फोर को अगर हम ऑब्जर्व देखें तो हमारे हर x की वैल्यू के अगेंस्ट हुई है मोर देन वन वैल्यूज ऑफ y। तो ये सूरत हाल हमें एक अलग सिनेरियो की तरफ जो है ना वो लेके जाती है, ये एक अलग चीज जो है ना वो हमारे पास आ जाती है। अब अगर आप इस ग्राफ को देखें, फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है, तो ये y इज इक्वल टू x का हमारे पास जो है ना वो एक ग्राफ है, उसकी लाइन जो है ना वो हमारे पास आ जाती है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप लोगों को शो हो रहा है या नहीं हो रहा, दिस इज द शेडेड एरिया, ये वाला जो है ये हमारे पास एक शेडेड एरिया है जो कि आपके y इज इक्वल टू x से जो है ना वो नीचे आ रहा है, ठीक है। ये इसके जो है ना वो नीचे इंडिकेट जो है ना वो हो रहा है, ये हमारे पास जो शेडेड एरिया है इसका। अब ये जो ओवरऑल शेडेड एरिया होगा ये वाला जो है, ये सारा का सारा शेडेड एरिया, ये शेडेड एरिया हमें जाहिर कर रहा है कि आपकी जो y है दैट इज लेस देन x, लेस देन और इक्वल टू x, ये जो शेडेड एरिया है y इज इक्वल, अब देखिए ना ये जो कर्व है ये हमारे पास y इज इक्वल टू x का कर्व है, यानी y इज इक्वल टू x है। तो अगर लेस देन वैल्यूज है तो वो सारी की सारी इधर नीचे जो है ना वो हमारे पास वैल्यूज जो है ना वो फॉल करेगी। तो इस सूरत में आप कह लें कि अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ वर्टिकल लाइन, ये देखिए ये वर्टिकल लाइन, तो ये वर्टिकल लाइन जो है ये इस हमारा जो शेडेड एरिया होगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे अगर हम डिफरेंट ग्राफ्स है ना वो ड्रॉ करते हैं तो आप कह लें कि एक से ज्यादा दफा जो है ना वो इंटरसेक्ट करेगा इस ग्राफ के अंदर जो है। तो इस हिसाब से हम ये जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो एग्जांपल नंबर थ्री में हमने एक रिलेशन देखा है कि जिसमें हमारे पास एक्स की हर वैल्यू के अगेंस्ट जो है ना वो वाई की एक यूनिक वैल्यू जो है ना वो हमारे पास आ रही है, दिस इज अ स्पेशल टाइप और स्पेशल वराइटी ऑफ रिलेशन जिसको जो है ना वो नाम दिया जाता है फंक्शन का। तो फंक्शन अगर आप उसको जो है ना वो डिफाइन करना चाहे फंक्शन को कि फंक्शन जो है वो क्या होता है, तो इसको हम जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन को के अ स्पेशल केस हाउएवर अ रिलेशन मे बी सच दैट फॉर ईच एक्स वैल्यू देयर एग्जिस्ट ओनली वन कोरिस्पोंडिंग वाई वैल्यू, यानी ये हमारे पास जो है वो रिलेशन का एक स्पेशल केस होता है जिसमें ईच एक्स वैल्यू के अगेंस्ट जो है वो हमारे पास y की एक जो है ना वो कोरिस्पोंडिंग यूनिक वैल्यू जो है ना वो आ जाती है जिसको फंक्शन का नाम दिया जाता है। आमतौर पे स्टैंडर्ड फॉर्म में जो फंक्शन लिखा जाता है उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, यानी y इज इक्वल टू f इनटू x। अब इसको जब रीड करते हैं तो लिखते हैं कि y इक्वल्स f ऑफ x या y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब f मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये जो सिंपली हमारे पास जो है ना वो नोटेशन है जो कि फंक्शनल रिलेशनशिप को जो है ना वो इंडिकेट कर रहा है। अब जब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम लिखते हैं तो हमें देखने से ही पता चल जाता है कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर इज वन एंड ओनली वन यूनिक वैल्यू ऑफ y, यानी x की हर वैल्यू के अगेंस्ट जो है वो हमारे पास y की जो है ना वो एक ही यूनिक वैल्यू जो है ना वो आती है, ये रिलेशन की स्पेशल काइंड हमारे पास आ जाती है। अब फंक्शन को जो डिफरेंट और जो है ना वो नेम्स हम दे सकते हैं, फंक्शन इज आल्सो लुक एट दिस स्टेटमेंट, क्या फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड अ मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन, जो फंक्शन है इसको मैपिंग भी कह सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन का भी जो है ना वो नाम दिया जा सकता है, और सिंपली इसकी नोटेशन जो हमने लिखी है ये भी फंक्शनल नोटेशन इसकी लिखी जा सकती है। अब यहाँ पे एक बात और जहन में रखिएगा कि जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो हमने कहा कि एक्स की हर वैल्यू के अगेंस्ट जो है वाई की एक यूनिक वैल्यू हमारे पास आएगी, लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि हमारे पास एक्स की मोर देन वन वैल्यूज होती है और उसके अगेंस्ट वाई की हमारे पास यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की हमारे पास जो है ना वो एक ही वैल्यू आती है। अब यहाँ पे एक बात जो है ना वो जेहन में रखिएगा कि यहाँ पे जो दो चीजें हैं, एक हमारे पास वाई है और दूसरा हमारे पास जो है ना वो एक्स वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल एक्स जो है ये मोर देन वन हो सकता है, ये एक से ज्यादा जो है ना वैल्यूज अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन फंक्शन की जो फंडामेंटल हमारे पास जो एक आप कह रही अजम्पशन होती है, ये फंडामेंटल क्राइटेरिया होता है, वो ये होता है कि आपका जो वाई वेरिएबल होगा इसकी हमारे पास एक यूनिक वैल्यू ही आएगी। जैसे ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे वाई नॉट एक ही वैल्यू हमारे पास, जबकि इस एक वाई नॉट पे एक्स जो है इसकी हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक्स वन और एक्स टू। तो फंक्शन देखने के लिए कि कोई रिलेशन जो अभी दिया गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कि वो फंक्शन है या नहीं है, तो उसके लिए हमें यही देखना पड़ेगा कि y की वैल्यू जो है ना वो कितनी है, x की जो वैल्यूज होती है
उसको जो है ना वो कंसिडर नहीं करते, मेन चीज जो है ना वो वाई की वैल्यू होती है कि वो हमारे पास यूनिक होनी चाहिए या वो हमारे पास जो है ना वो एक ही वैल्यू जो है ना वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो वाई वेरिएबल होता है इसको डिफरेंट जो है ना वो नोटेशन हम देते हैं, डिफरेंट नाम जो है ना वो इसको देते हैं। मिसाल के तौर पे जो एक्स है इसको जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी जो नाम दिया जाता है, यानी अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स पे भी कार्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आप लोग जानते हैं, ये डिटेल पिछले लेक्चर पे आपने पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी जो वाई वेरिएबल है ये कौन सी वैल्यूज अडॉप्ट करेगा, कौन सी वैल्यूज इसकी आएगी, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स वेरिएबल। जबकि इसको एक और नाम भी दिया जाता है एक्स वैल्यू को, जिसको आर्गुमेंट भी जो है ना वो कहते हैं, यानी जो एक्स वेरिएबल है इसको एक और नाम दिया जाता है जिसको आर्गुमेंट जो है ना वो कहते हैं, दिस इज अनदर नेम ऑफ एक्स वेरिएबल। और जो वाई है इसको जो है ना वो हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन का जो है ना वो नाम देते हैं, यानी ये आर्गुमेंट होता है और जो y होता है इट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ फंक्शन। जब टेक्निकली हम बात करते हैं फंक्शनल नोटेशन के अंदर, या जब हम लिखते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x जैसे ये फॉर्म लिखी हुई है, तो x हमारे पास आर्गुमेंट होगा और जो y होगा दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये एक टेक्निकल हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, लेकिन जब मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो x वुड बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y वुड बी डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये लास्ट मैंने ऑर्डर पेयर के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि आपका जो एक्स वेरिएबल होता है वो जो वैल्यूज अडॉप्ट करता है दैट इज कॉल्ड डोमेन। अब लुक एट इट, ये देखिएगा कि एक्स हमारे पास एक आप कह लो एक्स वन एक वेरिएबल है, इधर हमारे पास उसके अगेंस्ट वाई की एक ही वैल्यू आती है जिसको वाई वन कहते हैं, तो ये एक हमारे पास पेयर बन गया एक्स वन वाई वन का। लुक एट इट, ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक पॉइंट आ गया एक्स वन वाई वन। जब आप x को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं और वर्टिकल एक्सिस पे y को लेते हैं, फिर जब आप x2 का जो है ना वो देखते हैं तो y2 के साथ एक पेयर बनता है, जब आप इनको मिलाते हैं तो आपके पास एक पॉइंट बन जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर x2 y2 जो, ठीक है। अब देखिएगा कि जो x, अब बेसिकली ये हमारे पास x वेरिएबल है, ये हमारे पास y वेरिएबल है, तो x वेरिएबल जो वैल्यूज अडॉप्ट करता है दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन, उसको फंक्शन की डोमेन जो है ना वो कहा जाता है। और दूसरी तरफ y वेरिएबल इज रिस्पॉन्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ x वेरिएबल, जो वैल्यूज अडॉप्ट करते हैं उनको कहा जाता है रेंज ऑफ द फंक्शन का जो है ना वो नाम दिया जाता है। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि जब आप सेट फॉर्म में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ a और b लिखता हूँ, इसी तरह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 और 4 लिखता हूँ, तो जो पहले एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के होते हैं और जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल के होते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू सेट्स के पहले एलिमेंट होते हैं ये हमारे पास बेसिकली डोमेन होती है फंक्शन की, और उसके अगेंस्ट जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज आती है जैसे यहाँ पे बी और फोर है दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन, इसको जो है ना वो फंक्शन की रेंज का जो है ना वो नाम दिया जाता है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स में इसकी मिसाल लेना चाहें कि कौन से हमारे पास जो है ना वो फंक्शनल फॉर्म में वेरिएबल्स जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं, तो लुक एट इट कि हमारे पास जो आउटपुट फंक्शन है जो कि आउटपुट डिपेंड करती है, कॉस्ट फंक्शन है। जब वो कॉस्ट फंक्शन की बात करते हैं तो वी नो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, कि जो चीज़ें आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उस पे डिपेंड करती है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है। तो इसका ये आप देख रहे हैं 150 + 7 Q। अब क्यू की जब भी कोई आप वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 10 आप लेते हो तो आपका जो C है ये हमारे पास बन जाएगा 150 + 70, तो ये हमारे पास बनेगा आई थिंक 230। इसका मतलब है कि अगर आप 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो तो आपकी जो कॉस्ट होगी दैट वुड बी 30 रुपीज, और 230 रुपीज जो है ना वो हमारे पास आ जाएगी। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो ये 10 हमारे पास जो है ना ये डोमेन होगी और ये 230 जो है ये हमारे पास रेंज होगी। इसी तरह से हमें पता है कि यूटिलिटी फंक्शन, ये भी हम जानते हैं कि यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी कंज्यूम, जो चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आप और लेना चाहें तो डिफरेंट हमारे पास फंक्शन हैं इकोनॉमिक्स के अंदर जिनको हम इस्तेमाल करते हैं फंक्शनल फॉर्म में जो है ना, और डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप्स जो है ना उनको इंडिकेट करने के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने रिलेशंस और फंक्शंस को जो है ना वो इन डिटेल डिस्कस किया। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो यू मे आस्क द क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू पॉज।